क्या कर दिख रहा है? दो मिनट बहन दुल्लो समझ में आ रही है, ये कर सकता है, बस यही करेगा तू। कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे के, तब और भी अच्छा करने लेके आई आपकी रेट से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है वो कोई प्रैंक वीडियो नहीं होने वाली यार, एक वीडियो होने वाली है। ये क्या किस पे होने वाली है मैं बता दूँ, ये मेरी फ्रेंड है, बहुत टाइम से बहुत अच्छी दोस्त है, और यार इसने मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत टाइम से इसके मैसेज आ रहे थे कि यार रिट्स मेरे को ना एक हेल्प चाहिए तेरी, और हेल्प क्या चाहिए आप इनसे खुद ही सुन लो। यार प्रॉब्लम क्या है यार, पता है मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी उस टाइम तक, तब तक तो पहले तो बहुत ही अच्छा चल रहा था रिलेशनशिप, बट वो कुछ इधर कुछ दिनों से ना उसने मुझे जीना हराम कर दिया उसने। बट लाइक जीना हराम कैसे, क्या कर रहा है कुछ? बहुत परेशान करता है, लाइक कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, हर चीज़ पे रोकना टोकना, मतलब हर चीज़ उस कोई भी हो, फ़ोन कॉल्स का एक जवाब नहीं दो तो क्यों क्यों नहीं दे रही हो, क्यों मैसेज क्यों, पोजेसिव हो चुका है बहुत ज़्यादा, पोजेसिव हो चुका है, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत इरिटेट कर रहा हूं। सो अभी आप क्या चाहते हो मुझसे कि मतलब आप उसके साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते? बिल्कुल मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाह रही हूँ एक्चुअली। तो आपने उसे क्लियर करना था ना, मे बी इसमें मेरी कोई आपको जरूरत नहीं है, आप उसे क्लियर कर दो। नहीं मान रहा है ना वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि शादी करनी है हमें, और जो लड़का जो अभी से ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे कर रहा है तो वो शादी के बाद आप समझ सकते हो ना क्या करेगा वो। तो ब्लैकमेल वगैरह भी कर रहा है क्या, धमकी वमकी देता है जैसे? अरे बहुत ही लाइक कि तुम अगर ये नहीं करोगे फोन नहीं, बहुत पहले हम लोग की फोटो थी कुछ ऐसे फोटोज वगैरह, समझ आ रही है यार। हाँ। क्योंकि रिलेशनशिप में होता है बंदा ट्रस्ट करके पिक्चर्स भी क्लिक करा लेता है, पर्सनल चीजें भी होती है, थोड़ा होता ही है ना, तो उस चीज़ को लेके कि अगर मिलने नहीं आएगी या फिर ये जो भी चीज़ें होता है, हर छोटी छोटी बात को तू समझ रही है ना, पर छोटी छोटी बात को लेके कि देख तेरे पिक्चर मेरे पास है तो तू सोच ले तेरा क्या होगा, हर चीज़ पे ये वो पॉइंट, तेरे फैमिली वाले को भेज दूंगा, तेरे फ्रेंड को भेज दूंगा, मतलब लाइक टॉर्चर कर रहा है। तो एक काम कर रहा है, तो उसको ना कॉल लगा और मिलने के लिए बुला, उसको आ जाएगा ना, पास में रहता है ना। हाँ यहाँ से तो एक काम कर, फ़ोन लगा और स्पीकर पे फ़ोन रखियो। ठीक है लगा। करते हैं इसका हिसाब। सीरियसली यार तू कुछ कर, होता है बहुत परेशान हो गए इससे। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ है तू? मैं कहीं बिजी था पता। वो कहाँ तुम अभी? बता तो रहा हूँ बिजी था मैं कहीं, भी बताऊँ? यार मुझे मिलना था अभी तुमसे। अभी? हाँ। क्यों, क्या काम है? बस ऐसे ही मिलना था तुम्हें। बताओ ना क्या काम है यार, बिजी हूँ बोला ना मैंने आपसे भी। अरे आओ तो। कहाँ पर हो तुम? ये सोसाइटी वाले पार्क में बैठे हैं, आ जाओ। आ रहा हूँ 15 मिनट में आ रहा हूँ बस। ठीक है आ जाओ। आ जाओ। तो यार बंदे ने आने के लिए हाँ कर दिया, काम करते हैं 15 मिनट वेट करते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है आजकल ना ये लड़कियों के साथ। पहले लड़के क्या करते हैं रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उसके बाद अगर लड़के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, उसके बाद लड़की को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, टॉर्चर करने लग जाते हैं कि मेरे साथ रह शादी कर। तो देखते हैं क्या होता है वीडियो में, बाकी वेट करते हैं 10-15 मिनट। सो गाइस 2011 में बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो थी अप्रोक्स 100 रुपीज़, नाउ इट इज़ 7 लैक्स। सो गाइज हमने बिटकॉइन को मिस कर दिया, बट डोंट मिस यम कॉइन। सो नाउ 1 यम कॉइन इज जस्ट 4 रुपीज़ 80। सो आप विजिट कर सकते हो www.onlinetime.in। मिनिमम क्वान्टिटी है इसकी 100 YM। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में देगा, जाके चेकआउट करो। अगर आपको इंटरेस्ट है ये परचेज करने के लिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर अपना नाम और अपने ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कर सकते हो, मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर कर सकते हो। ये कंपनी वाले डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप इन लोगों से बात कर सकते हो, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो। सो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके चेकआउट करो। तो यही है जो सामने आ रहा है। हाँ, दिखने में तो वैसे भी हराम ही लग रहा है। बात तो इतने प्यार से करते है। मैं इसकी बहन जैसी हूँ। अच्छा। बता दूँ वैसे इसने मुझसे आपकी सारी रिलेशनशिप की बातें बताई है मुझे। क्या बताया आपने? वही पता है जो तुम इन दिनों कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ मैं इन दिनों यार? कुछ भी तो नहीं कर रहा। क्या
कर रहे हो, परेशान करते हो। क्या परेशान करते? मैं तुम्हें परेशान कहां कर रहा हूं? जबरदस्ती मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? हां और नहीं तो यार, वो मेरी फीलिंग्स है जो मैंने तुम्हें बताई है, वो परेशानी नहीं है। फीलिंग्स है कि तुम ऐसे धमकी देते हो कि तो इसे क्यों बुलाया फिर तुमने? क्यों, ये मेरी फ्रेंड है। तो फ्रेंड है तो मतलब सबको बताओगे ऐसे? हां तो मेरी बहन जैसी है तो अपनी बहन से बात नहीं कर रहा मैं, उससे बात कर रहा हूं। आपको बीच में बोलने की जरूरत से बात करो मेरी फ्रेंड है, ठीक है? तुम तमीज से बात, उसे बुलाया क्यों फिर? इसका मतलब क्या है आने का? ये मेरी फ्रेंड है, एक बार इसको बोल लेने दो फिर मैं अपनी बोलूंगी। नहीं बोलो क्या? नहीं, नहीं तुम बोलो, तुम दोनों ने क्या बोला? नहीं तुम बोलो, बोलो बोलो आप बोलो, तुम बोल लो। मुझे बुलाया ना, बोलो क्या बोलना? मैं बोलती हूँ, बोलो। उससे तो बहुत बोल लिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रही इसकी बोली। मैं बोलती हूँ, शायद तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? मेरी बहन है ये, ओके। एंड ये तुम्हारे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है, इसने मुझे बताया। तुम इसको कौन होती है मेरे को बताने वाली? रिलेशनशिप में रहना चाहती है? तमीज से बात कर, इसको बदतमीजी करने दे। एक बदतमीज इंसान जो दिमाग खराब कर रहा है बिल्कुल। एक मिनट, इसकी जो तमीज है ना वो मुझे पता लग चुकी है, सो आप चुप रहो, मैं बात कर रही हूं, ठीक है? एक मिनट मेरी बात सुन। तुझे कौन जाहिल तमीज सिखा? एक मिनट, हाथ में लगा। ओए भाई भाई दूर रह, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, समझा ले जा, ले जा मेरी बात सुन। तमीज में रहा कर, उससे क्या रूम ले जा इसे। यार ये कैसा मतलब, क्या सोच के इस बंदे से बात कर रही है यार? मैं बना के दूं क्या बोल रहा है तू? इसको मेरे से बात कर रहा, क्या है? तू सही बात कर रही हूँ मैं, तू भी चुप रहा है यार। मेरी बात सुन, क्या उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि फोटोज लीक कर दूंगा? अगर रिलेशनशिप में वो बंदी तुझ पे ट्रस्ट करके रह रही है तो उस पे उसकी फोटोज लीक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्या करेगा? तेरा क्या मतलब है इसमें? भाई मेरी बहन है, मेरी बहन है, हिमायत बना के लाई है इसे। हाँ बहुत बढ़िया बहन है मेरी। तो क्या करना है? तू बता तुझे क्या करना है। मैं तो सब कुछ करूंगा जो मेरे को करना, क्या करना है तुझे बता। करूंगा मैं। ये तुझसे रिलेशन में नहीं रहना चाहती क्योंकि तू एक लवारिस और एक बदतमीज इंसान है। सुन ले तू भी। अच्छा धक्के से रहेगा? धक्के से रहेगा, ऐसे रहेगा? लड़की ने अगर कह दिया नो मींस नो, पता नहीं है। तू मत बोल बीच में, तेरे से बात नहीं होती, तुझसे बात कर रहा हूं। तू मुझसे ही बात करेगा? उससे तो बात करेगा ही नहीं। तू मुझसे ही बात कर, हट यहां से। उससे बात कर, तमीज से बात कर ले, ठीक है? इससे क्या को लेकर तमीज से बात कर ले। एक मिनट मेरी बात सुन, या तू चाहता यार चला जा, मेरा हाथ बात उड़ जाएगा इस पे। क्या चाहता है? हाथ लगा, चल तू लगा हाथ, तुझे पावर पता चल जाएगी फिर मेरी। मेरे को समझाएगी इसे लेके? पावर पता लग जाएगी ना इसे, पागल हो, कोई समझा भी नहीं सकता। साइको है क्या ये? सुनना ही नहीं चाहता भाई साहब। कुछ कर सकता हूं मैं तेरे साथ? समझ मारा तेरे को? अच्छा तू मेरे साथ कर जो करेगा तू, ये बता भी नहीं बचेगी। आप चुप रहो, एक बार मुझे बात कर लेने दो। मेरे को ये बता कि तू जो इसके साथ कर सकता है वो मेरे साथ कर ले। तू मैं यहीं पे खड़ी हूं, कर लूंगा तेरे साथ। तू कर ले, तू मुझे बस हाथ लगा, तू मुझे बस हाथ लगा। तूने धक्का दे दिया ना, इतना ही धक्का लगा दिया। तुम्हें बात सुन, क्या करेगा? क्या करेगा तू? क्या करेगा? बहुत कुछ कर लूंगा मैं। तू दिख रहा है कि तू कितना बदतमीज, और तेरी जो परवरिश है ना, तेरे को माँ बाप ने क्या कर लूंगा? क्या दिख रहा है? दो मिनट में बहन चुका दिलो, समझ में आ रही है? ये कर सकता है बस यही करेगा तू? बस एक लड़की का फायदा उठा रहा है तू। अगर उसने तुझे भरोसा देखना किया, तुझे क्या करना है? देखना है तुझे क्या करना? तुझसे ना मैं प्यार से बात करने वाली, क्या करना है देखना तुझे? क्या करेगा तू बता? दो मिनट रुक, फिर बताता हूं क्या करेगा। एक बार बात सुन मेरी, बोल। तुझसे ना मैंने प्यार से बात करने आई थी क्योंकि मेरी बहन है। हाँ दूर से ही कर रही हूँ, तेरे पास में घुसने का मुझे कोई शौक नहीं है। सुन तो ये प्यार के लायक ये है ही नहीं भाई। इसने पहली चीज नहीं दिखा दिया, पहली वर्डिंग इसकी कैसी, इसको पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? अगर मैं तुझसे सिर्फ प्यार से ही बात करना चाहती थी, अगर तू भाई मेरे भाई सुन ले मेरे भैया कि अगर तू प्यार से अलग हो सकता तो ठीक है, और प्यार से तू उसको नहीं छोड़ने दे रहा तो भी सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं नहीं छोड़ूंगा, सुन ले। तो वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, मैं उसकी फैमिली मेंबर हूँ, करूंगा सब कुछ करूंगा। तू यही कर सकता है ना, तू यही कर सकता है ना? मर्द है तू, ना मर्द है तू, ओपन माइंडेड है ना? ना मर्द है तू, ना मर्द है तू, पता है तुझको? क्योंकि जो मर्द होते हैं ना वो ऐसे काम ही नहीं करते हैं कि लड़की को तू ब्लैकमेल कर रहा है, फोटोज लेकर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और तू तुझे बताने की जरूरत है, रहने दे तू। पता है मुझे तेरा, दिख रहा है तू कितना मर्द है। एक लड़की से तुझे तमीज नहीं है बात करने की, आती तूने मुझे पुश किया है, धक्का दिया है, तू हाथ लगा रहा है, तू है ही बदतमीज। तेरी परवरिश और तेरे माँ बाप जिस जो तेरे को संस्कार दिए ना, वाकई माशाल्लाह सुभानअल्लाह सैल्यूट है उस पे। और तुझे पता है मेरा ना यूट्यूब चैनल है, अच्छा फिर समझा? और ना 11 लाख फैंस है मेरे, फैमिली है मेरी 11 लाख की। अच्छा, और तुझे पता है वो 11 के 11 लाख अभी तुझे लाइव देख रहे हैं और लगा हुआ है सामने कैमरा, ठीक है? तेरे और तेरे परिवार की बहन की छूट बुला ली जिस मर्जी को, डरता नहीं हूं मैं। मेरे घर के नीचे आके तू 11 लाख की धमकी देगी क्या? बोला अपने 11 लाख को जा, तू बस इसी चोर में गया। अरे मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं भाई। अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है, बस वही बात है। बुला ले अपनी फैमिली को, 11 लाख बहन के लोगों ने मार के भगाया सबको।
यूट्यूब वाले तो वैसे ही के वैसे धंधे हैं। मैं ना 100 नंबर पे कॉल लगा रही हूं, उसको भी पता लग जाएगा। एक मिनट, मुझे फोन दे, हिम्मत कैसे है? अब पता चलेगा ना तेरे को, अब पता चलेगा ना, तेरी बदतमीजी की हद हो गई ना, अब तुझे पता चलेगा ना। ये जो गाली गलौज कर रहा है, किसको बुलाएगा तू, किसको बुलाएगा? 2 मिनट रुक जा, तू बता, पता चल जाएगा। कल तेरे शक्ल के साथ जब जाएगी ना यूट्यूब पे लाइव एक्सपोज होगा, तुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा काम ही यूट्यूब वाला मुजरा कर सकते हो तुम, बस एक्सपोज 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 ही करना। मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। तुझे सब पता लग जाएगा जब 11 लाख लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, सामने कैमरा लगा हुआ, तुझे पता लग जाएगा तू क्या हरकतें कर रहा है। 11 करोड़ को दिखा ले तो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, तेरी इज्जत ही नहीं है कोई, तेरी इज्जत ही नहीं है कोई, ना हो इज्जत कोई नहीं, तेरी इज्जत ही नहीं है, पता कितनी है बस, चल तेरे बताने से तुझे पता लग जाएगा, फिर लग जाएगा पता। और हाँ, इसको आज के बाद कॉल मैसेज मत करियो, जो मुझसे होगा वो मैं करूंगा, तू रोक सकती है तो रोक ले। यूट्यूब इसका नंबर दे, दिखाना कहीं भी दिखाना, इसको ब्लॉक कर पहले, सुन ले मेरी बात, कर क्या है चूप लड़के से बात करी तूने, इसको अभी कर, तू करना, क्यों किससे क्यों करवा रही, तेरी रात नहीं, कर दिया ना, कर दिया ना, मैंने कर दिया ना, आज के बाद तुझसे बात तो करेगी ना, और तू जो कर सकता है कर ले, कर लूंगा जो मेरे सुबह, ठीक है। पहली बात तो कल सुबह 10 या 11 बजे तेरी ये वीडियो आएगी ना लाइव, तो तुझे अपने आप ही पता लग जाएगा क्या वैल्यू है क्या नहीं है, पूरी रात जागी है, तुझे दिख जाएगा कितने लोग आते हैं, वो तुझे पता लग जाएगा ना कल, वो तुझे पता लग जाएगा ना। एक काम कर, निकल चले यहाँ से, निकल निकल, किसी के बाप से इंटर, हाथ तेरे कांप रहे हैं, हाथ पता लग जाएगा तेरे को कल 11 बजे मॉर्निंग में, वीडियो भी देख लियो अपनी एक्सपोज। दिमाग सा खराब हो गया फिलहाल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा यार, वो लड़का इतना बदतमीज था, और मेरे को तो समझ नहीं आ रही इसने उस लड़के में क्या देखा था, तो उससे बात कर ली। और बाद में क्या होता है, आजकल के लड़के यार क्या कर रहे हैं, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं सबको नहीं बोल रही, लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो लड़की से जब तक रिलेशन ठीक चल रहा होता है तब तक ठीक है, जब कोई बहस होती है तो यार तुम टॉर्चर करते हो, ब्लैकमेल करते हो, मैं तुम्हारी फोटोज लीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यार क्यों ऐसे? वो ही लोग करते हैं जो नामर्द होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी खुद में पावर नहीं होती है, और लड़की को बदनाम करने में लग रहते हैं। तो प्लीज़ यार, कहीं पे भी अगर आपको ऐसे कोई भी लड़की है, तो मेरी फ्रेंड है, लेकिन कहीं पे कोई भी लड़की आपको परेशान दिखे ना, तो हमेशा उसका स्टैंड लो, उसकी हेल्प करो, और कोई भी इस प्रॉब्लम में है तो उसको इन चीज़ों से बाहर निकालो। मैं सिर्फ इसकी हेल्प नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई भी लड़की लड़का जो भी परेशान है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। और बाकी मेरा बहुत मन था यार, उसने इतनी गाली गलौज इतनी हरकतें कर दी, बहुत मन था मेरा कि यार उसका फेस दिखा के मैं आप लोगों को दिखाऊं कितना घटिया और बंदा है, बट ठीक है, हम में कुछ इंसानियत बाकी है, हम किसी को ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है उसकी अगर शक्ल के साथ आप लोग देखोगे तो यार उसको कितनी गालियाँ पड़ेगी, वो तो अभी पड़ेगी मुझे पता है, बट यार ये एक छोटा सा मैसेज भी है बाकी सब लोगों के लिए। तो आज के टाइम में जितनी भी लड़कियाँ मुसीबत में है, जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ यार उनकी मदद करो, पीछे कभी मत हटना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक भले मत करना, लेकिन यार वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। लव यू ऑल।